जैसा कि हम सब जानते हैं, हर घर तिरंगा कैंपेन जोर शोर से इस सन प्रदेश में चल रही है और बहुत सारे कार्यक्रम इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों तक तिरंगा पहुंचे। जिस तिरंगे को हम औपचारिक कार्यक्रमों में और देखते थे पहले, वो हमारे दिलों के और नज़दीक आए और जो पेट्रोटिज्म की फीलिंग है वो हमारे अंदर और ज़्यादा गहरी होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से। इसी उपलक्ष्य में आज बाइक रैली का एक आयोजन किया गया है, जिसका मकसद है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि हमें तिरंगे से और ज़्यादा प्यार होना चाहिए, हमें तिरंगा में झटकी लगाना है मान सम्मान के साथ में, और अपना जो जज्बा है उसको और बढ़ाना है। और आज क्योंकि ये कार्यक्रम में हमारे साथ कलेक्टर मैडम उपस्थित हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जब डिस्कशन हुआ कि क्या क्या प्रोग्राम हमें करने चाहिए, तो पुलिस के हिस्से में ये बाइक रैली का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लोगों को आयोजित करने के लिए उन्होंने दिया। मैं आए हुए बाकी जो ऑफिसर्स हैं एसपी हेडक्वार्टर इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हवेली की जनता भी हमारे साथ जुड़े और जैसा कि एसपी सर ने बताया कि ये मैसेज पहुँचे हर नागरिक तक कि जो हमारा ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ये केवल औपचारिक और ऑफिशियल कामों में ही फहराया जाता है। साल के कुछ 3-4 दिन होते हैं जब हम सब लोग इनको फहराते हैं, मगर अब हमें इसको हर रोज और हर घर पर फहराना होगा। तो उन सब सूची जब बन रही थी तो एक आइडिया हमारी टीम से यह भी आया कि क्यों ना एक बाइक रैली करी जाए, जिससे हम हर गांव तक पहुंचे और वहां तक ये मैसेज लेकर जाएं कि अब ये झंडा केवल ऑफिसेज में नहीं, केवल ऑफिशियल कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि हर घर में फहराया जाएगा, हर नागरिक इसको फहराएगा और पूरे सम्मान के साथ। केवल एक या दो दिन तक हम ये औपचारिकता नहीं रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लंबे से लंबे समय तक, मतलब जैसा कि हम सबका आइडिया है कि सालों तक हमारे घरों के आगे झंडा रहे, मगर पूरे सम्मान के साथ करना दो दिन में। और अब पूरे सम्मान के साथ प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि अपने घरों पे लगाए तो किसी भी तरह की गलती ना हो, ध्वज का, राष्ट्रीय झंडे का किसी भी प्रकार से मतलब उनका और उसका ऑनर कम नहीं होना चाहिए। बस यही आपसे कहना है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपने ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जुड़ें और पूरे मन से, पूरे देश प्रेम के साथ आगे आए और इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को और बढ़ाएं।